दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे 1994 में रिलीज हुई एक फैमिली ड्रामा मूवी का, जिसका नाम है लाडला। और इस मूवी की लीडिंग कास्ट में मौजूद हैं अनिल कपूर, श्रीदेवी, रवीना टंडन, फरीदा जलाल, अनुपम खेर, शक्ति कपूर, प्रेम चोपड़ा, आलोक नाथ, परेश रावल, अरुणा ईरानी और मोनिश बैल। इसके अलावा इस फिल्म की कहानी लिखी है अनीस बाज़मी ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज कंवर ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं नितिन मनमोहन। अब बात करें इस फिल्म की कहानी के बारे में, तो ये कहानी है राज वर्मा उर्फ राजू यानी अनिल कपूर की, जो अपनी माजूर माँ यानी फरीदा जलाल के साथ रहता है और वो नौकरी की तलाश में होता है। और फिर इसके बाद राजू सड़क पे लक्ष्मी नारायण यानी अनुपम खेर को कुछ गुंडों से बचाता है और लक्ष्मी नारायण शीतल इंडस्ट्री का मालिक होता है तो वो राजू को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देता है। और फिर कहानी में एंट्री होती है फैक्ट्री की मालकिन शीतल यानी श्रीदेवी की, जो एक बेहद एम्बिशियस और डिसिप्लिन टाइप की लड़की है, जिसकी बदौलत ही उनकी फैक्ट्री इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनती है। और फिर शीतल अपने पिता की सिफारिश पे राजू को काम पे तो रख लेती है, मगर वो राजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि राजू बाकी सबकी तरह जी हजूरी करने वाला नहीं होता और उसका ये रवैया शीतल की अना को ठेस पहुंचाता है और वो इस बात का बदला राजू से शादी करके लेने का सोचती है। और दूसरी तरफ राजू तो ऑफिस में शीतल की सेक्रेटरी काजल यानी रवीना टंडन को पसंद करता है, मगर फिर शीतल राजू की माँ को मना लेती है और राजू अपनी माँ के कहने पे शीतल से शादी कर लेता है। और अब देखना तो ये है कि क्या शीतल राजू को अपने इशारों पे नचा पाएगी या नहीं, और क्या खुद्दार राजू अपनी घमंडी बीवी की अकल ठिकाने लगा पाएगा। ये जानने के लिए आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। आप बात करें इस फिल्म के डायरेक्शन के बारे में, तो लाडला एक इम्प्रेसिव डायरेक्शन के साथ बनी फिल्म है, जहां डायरेक्टर राज कंवर अपनी काबिलियत का एक शानदार नमूना हमें इस फिल्म के जरिए दिखाते हैं और डायरेक्शन के हवाले से इस फिल्म को बिल्कुल परफेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पे राइटिंग की बात करें तो इस पॉइंट पे भी फिल्म इम्प्रेसिव साबित होती है, जहां फिल्म का स्क्रीन प्ले शुरू से ही इतनी बारीकी से लिखा गया है कि देखने वाला अपनी आंखें चाहते हुए भी फिल्म से नहीं हटा सकता। और देखा जाए तो ये फिल्म शुरू से लेके एंड तक ऑडियंस को बाखूबी होल्ड करके रखती है और भरपूर एंटरटेन करती है। और बात करें डायलॉग्स राइटिंग की, तो फिल्म की डायलॉग्स राइटिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है, जहां इस फिल्म में हमें काफ़ी इम्पैक्टफुल डायलॉग सुनने को मिलते हैं। इसके अलावा फिल्म के एक्शन सिक्वेंसेस भी काफ़ी शानदार हैं, जिन्हें एक ड्रामेटिक अंदाज में शूट किया गया है। और बात करें म्यूज़िक की, तो फिल्म का म्यूज़िक भी काफ़ी बढ़िया है, जहां इस फिल्म के तकरीबन सारे गाने ही काफ़ी रिफ्रेशिंग और एंटरटेनिंग हैं। अब बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो फिल्म के लीड एक्टर अनिल कपूर की ये परफॉर्मेंस उनके कैरियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है, जहां उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे अपने इस किरदार को भी बेहद इम्पैक्टफुल बनाया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा श्रीदेवी की बात करें तो उनका रोल इस मूवी का मोस्ट इम्पैक्टफुल रोल था, क्योंकि उनका कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस इस मूवी में भी काफ़ी शानदार रही और वो इस फिल्म में काफ़ी खूबसूरत भी नज़र आईं। और बात करें रवीना टंडन की, तो उन्होंने भी अपने किरदार को हमेशा की तरह बहुत अच्छे से निभाया और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा फरीदा जलाल, अनुपम खेर और परेश रावल समेत फिल्म की बाकी कास्ट ने भी अपने अपने रोल्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब बात करें इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म को 25 मार्च 1994 को रिलीज़ किया गया था और इस फिल्म का बजट 3,25,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 7,15,00,000 का कलेक्शन किया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 13,91,00,000 का कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। ओवरऑल देखा जाए तो लाडला एक वेल स्क्रिप्टेड और वेल डायरेक्टेड हाईली एंटरटेनिंग मूवी है, जिसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी प्लॉट के साथ साथ आपको दमदार एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, लाडला मूवी मैं आप सबको हाईली रेकमेंड करूँगा। आप सब भी इस आइकॉनिक मूवी को ज़रूर देखिएगा।